तो गाइस मेरा नाम है चांदनी और आज हम बनाने जा रहे हैं केना साग। केना साग खाने में बहुत लाजवाब और टेस्टी और हेल्दी भी होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे धो लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद इसे हम एक टोकरी में निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम छोका लगाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि छोका लगाने के लिए इसमें क्या क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे, 8 से 9 लहसुन का कलियाँ और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं और गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन और मिर्च। मिर्च को हम तोड़ लिए और लहसुन को हल्का हल्का कूट लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, लहसुन और मिर्च को हम तेल में डाल रहे हैं और इसे लाल होने देते हैं। लाल होने तक एक थोड़ा चला देते हैं इसे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे साग को। अब हमारा लहसुन और मिर्च लाल हो चुकी है, इसमें धीरे धीरे करके साग को डालेंगे। साग को डालने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, उसके बाद चला लेंगे। चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे पकने के लिए। अब हम अपना ढक्कन को निकाल के देखते हैं। देखिए कितना पानी साग से निकल गया है। अब इसे एक बार चला लेते हैं अच्छी तरह से और फिर से ढक देंगे पकने के लिए। अब हम अपना ढक्कन को निकाल लेंगे और चला लेंगे। अब देखिए कितना पानी सोख लिया है साग का। हमें लो मीडियम में नहीं पकाना है साग, हाई मीडियम में पकाना है। अब ढक्कन को नहीं ढकेंगे और जब तक मेरा साग का पानी सोख न ले तब तक इसे चला के पका लेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए हमारा साग का सारा पानी सोख लिया है। हमारा साग बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बना है। अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।